जैसे कि गाइस आप यहां पे देख रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैं इसको कहीं लेके जाना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम अपनी गाड़ी को पास पहुंचे और उसके बाद अनलॉक किए, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को अनलॉक कर रहा हूं, अब यहां पे खोले और गाड़ी में बैठ गए। और बैठने के बाद गाइस क्या करते हैं कि चाबी लगाए और अपना हम स्टार्ट किए और गाड़ी को स्टार्ट किए और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम अपनी गाड़ी को लेके चल देते हैं। तो गाइस जब हम गाड़ी को लेके ऐसे चल देते हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आती, क्या परेशानी। तो गाइस आपको वहाँ पे पहले काम में आपको ये करना है कि आप जब भी गाड़ी को आप अपनी ओपन करेंगे कि गाइस जब हम अपनी गाड़ी के आते हैं गेट खोलने के लिए, तो पहले हमें क्या देखना है कि गाइस हमें चारों तरफ अपने चारों टायर देखने हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने अपने चारों टायर देख लिए कि हमारी गाड़ी चारों टायर सही है। और सही होने के बाद जब गाइस हम अपनी चारों तरफ देख लेंगे गाड़ी सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तभी हम अपने गेट को ओपन करेंगे। जैसे मैंने ओपन किया, उसके बाद खोला गेट और इस तरीके से बैठ गए। बैठने के बाद गाइस आपको क्या सावधानी रखनी है कि अपने तीनों मिरर में देखना है कि आपके मिरर सेट हैं। जब सेट हैं तभी गाड़ी आप चलाएं और सही तरीके से अपनी लोकेशन ले सकते हैं। तो ये गाइस सही तरीका होता है गाड़ी चलाने से पहले से और गाड़ी चलाने के बीच में। तो गाइस जब आपको सही तरीका पता हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम गाड़ी चलाने में नहीं होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो गाइस आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि हमारी गाड़ी से रिलेटिव जो है, जैसे कि मैं गाड़ी अपनी जब भी पार्किंग से या घर से निकालता हूं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए गाइस, और जब भी हम गाड़ी खड़ी करते हैं कहीं पे, उसके बाद जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम अपने गाड़ी से बाहर निकलते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हमें कई चीजों से सही तरीके से जज करना है, और जब भी हम अपनी गाड़ी से बाहर निकले या गाड़ी अपनी हम चलाने के पर्पज से गाड़ी में बैठे तो उससे पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए सही तरीके से, जो हमें सही लोकेशन देती है, जो सही तरीका होता है गाड़ी से चलाने के पहले, जब भी हम गाड़ी बैठने जाते हैं उससे पहले क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए, और क्या अपने दिमाग में एक चीज रखनी चाहिए कि हमें ये चीज देखनी चाहिए तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता है, या किसी कारणवश हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो के मद से आपको बताऊंगा कि क्या सही क्या गलत होता है। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मेरी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे रोड है जो कि, तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी, जैसे कि मैंने खड़ी कर दी है, अब आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि गाइस आप यहां पे देख रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अब मैं इसको कहीं लेके जाना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम अपनी गाड़ी को पास पहुंचे और उसके बाद अनलॉक किए, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को अनलॉक कर रहा हूं, अब यहां पे खोले और गाड़ी में बैठ गए। और बैठने के बाद गाइस क्या करते हैं कि चाबी लगाए और अपना हम स्टार्ट किए और गाड़ी को स्टार्ट किए और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम अपनी गाड़ी को लेके चल देते हैं। तो गाइस जब हम गाड़ी को लेके ऐसे चल देते हैं तो वहां पे क्या दिक्कतें आती, क्या परेशानी। तो गाइस आपको वहां पे पहले काम में आपको ये करना है कि आप जब भी गाड़ी को आप अपनी ओपन करेंगे, तो गाइस हम अपनी गाड़ी के पास जब आ जाएंगे उसके बाद हम अपनी गाड़ी को ऑन यानी मतलब गेट खोलेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे कि अपने चारों टायर चेक कर लेंगे कि हमारे चारों टायरों में हवा है कि नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे कोई टायर ऐसा नहीं कि हमारा कोई टायर पंचर हो, या हमारे अगल बगल गाड़ी के आसपास कोई बैठा है ऐसा जानवर कि मान लीजिए हमें नहीं दिखाई पड़ा। तो गाइस आपको अपनी गाड़ी के चारों तरफ पहले देख लेना है कि कोई गाड़ी के आसपास बैठा हुआ है या नहीं है, या चारों टायर हमारे जो है गाड़ी के कोई टायर पंचर तो नहीं है। उसके बाद आप अपने की को लगाएंगे और गाड़ी ओपन करेंगे, उसके बाद गाड़ी में बैठ जाएंगे। और गाड़ी में बैठने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ये हमारे मिलर हैं, मिलर होते हैं जो तीनों, उसके बाद अपने मिलर तीनों सेट कर लेंगे। मिलर में क्या होता है गाइस, आप जब अपने मिरर सेट कर लेंगे तो आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी चलाने में। जैसे कि मेरा राइट वाला मिलर भी सही है और बीच वाला मिलर सही है और लेफ्ट वाला भी मिलर सही है। तो गाइस अब इस तरीके से आप अपनी चाबी लगाएंगे, आपके गाड़ी जो है सही तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो गाइस ये तरीका होता है अपनी गाड़ी का सही
लोकेशन से जब हम अपनी गाड़ी निकालते हैं या चलाने के पर्पज से सोचते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इससे गाइस आपका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इससे गाइस ये होता है कि आपके मान लीजिए कि आप गाड़ी जब खड़ी किए थे उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के टायर पंचर नहीं थे या वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो कि कोई जीव या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो कि आपके गाड़ी के आसपास हो। अब वहाँ पे बस मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई भी जानवर या कोई कुत्ता या बिल्ली आया करके कुछ ऐसा बैठा हुआ है, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। या आप गाड़ी खड़ी किए थे तब आपकी गाड़ी का टायर कोई पंचर नहीं था या आपने नहीं देखा, तो आपने गाड़ी को जब चेक कर लिया तो आपकी गाड़ी के टायर आपने देख लिए सही हैं और गाड़ी के आसपास कोई नहीं है, तभी आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो आपको सही लोकेशन ये पता चल गई कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक स्थिति में है। तो गाइस आपको जब गाड़ी निकालनी है तो आप अपनी गाड़ी का चारों तरफ देख लें और गाड़ी पर जब बैठें तो गाइस अपने मिररों को सेट कर लें और सेट है तब भी ठीक, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लें। तो गाइस ये सही तरीका होता है जब गाड़ी आप निकालते हो या कहीं जाने के लिए सोचते हैं तो आप अपनी गाड़ी को एक बार चेक जरूर कर लें। तो गाइस आपको इस तरीके से अपनी गाड़ी को चेकआउट जरूर कर लेना है। गाइस आपको तो मैंने बता दिया कि जैसे कि गाड़ी चलाने से पहले क्या प्रोसेस करने हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप गाड़ी से बाहर उतरें, गाड़ी कहीं पे खड़ी करते हैं पार्किंग में या मान लीजिए रोड के आसपास कहीं पे खड़ी करते हैं, तो आपको गाइस क्या याद रखना है, कैसे अपनी गाड़ी को सही लोकेशन में आप गाड़ी खड़ी करेंगे और जब भी आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो क्या क्या सावधानी रखनी। तो गाइस आपने सपोज करिए कि गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड, आपने गाड़ी रोड के बगल में लगा दी है, जब भी हम गाड़ी से निकलते हैं तो गाइस हम क्या गलती करते हैं कि जैसे गाड़ी हमने अपनी ऑन ऑफ की, गाड़ी खड़ी हो गई तुरंत खोले गेट ऐसे करके बाहर निकल गए, तो ऐसे गाड़ी नहीं निकलना है। जैसे कि जब हम अपनी गाड़ी का सही तरीके से जब जज कर लेंगे, जैसे कि मेरी गाड़ी यहाँ लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है आराम से, अब हम गाइस वहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या गाइस हमें सावधानी रखना है कि ऐसे हमने गाड़ी बंद की और ऐसे करके निकल गए, गेट खुले और गाड़ी बाहर निकलने लगे, तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि गाइस आपकी छोटी सी भूल बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। तो गाइस आपको जब भी गाड़ी बंद करके लेफ्ट साइड लगा दिए हैं रोड के किनारे, तो आपको क्या करना है कि अपने बीच वाले मिलर में देखना है पीछे वाले, और राइट साइड वाले मिलर में देखना है जब आप राइट साइड से उतर रहे हैं आगे से, और पीछे जब गाइस आप देख लेंगे तो आपको सही तरीके से लोकेशन मिल जाएगी, आराम से अपना गेट खोले ऐसे करके अपनी गाड़ी से आप बाहर उतर सकते हैं। तो ये सही तरीका होता है जब हम अपनी गाड़ी से बाहर नीचे उतरते हैं। तो गाइस हमें अपना सही लोकेशन से अपनी देख लेना है कि हमारे पीछे कोई गाड़ी आ नहीं रही, या मान लीजिए बीच वाले मिलर में देखा और राइट साइड वाले मिरर में देखा कि कोई गाड़ी या कोई इंसान या कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, तो भी हम आराम से सावधानी के साथ निकलेंगे। क्योंकि गाइस सपोज कर लीजिए कि आपने गेट खोला और कोई पीछे से गाड़ी आ गई, तो क्या होता है उससे गाइस कि जैसे कि जो बंदा पीछे से आ रहा है वो तो नहीं देख पा रहा कि आप अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं जैसे भी, तो वो सिचुएशन में गाइस क्या होता है कि वो समझ नहीं पाता है पीछे वाला बंदा। तो आपको गाइस ये गलती नहीं करनी, जब भी आप अपनी गाड़ी से निकले तो सावधानी के साथ और आप अपनी सही तरीके से जज करके बाहर गाड़ी से निकले। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करना गाइस ना भूलें। तो गाइस अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।